हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम देखेंगे विजन का जो करंट अफेयर्स है जून 2023 का, उसका इकोनॉमिक सेक्शन। होपफुली गाइस, आपने पहले के जो सेक्शंस आए हैं, चाहे वो पॉलिटी रहा हो, इंटरनेशनल रिलेशंस रहा हो, सिक्योरिटी एंड सोसाइटी रहा हो, वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर भी होंगी एंड यू आर डेफिनेटली लाइकिंग द वीडियोज एज वेल। और अभी आपके हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज इकोनॉमिक सेक्शन है हमारा, ठीक है गाइस। थोड़ा बड़ा सेक्शन है तो पार्ट्स में आएगा, ठीक है, तो आपको उसके लिए भी वेट करना है। पार्ट्स में आएगा, डेफिनेटली कंटिन्यूस बेसिस पे आ रहा है। देखो, आपको डेली कुछ ना कुछ वी आर प्रोवाइडिंग ऑन द चैनल, है ना। तो आज का जो पहला टॉपिक है इकॉनमी में, ध्यान से समझने की ज़रूरत है क्योंकि इकॉनमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, वो सारा हम इस लेक्चर, इस वीडियो के थ्रू डेफिनेटली उसको आंसर करेंगे। देखो, आज का पहला टॉपिक है स्टेट्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। क्यों आया पेपर में, है ना, मतलब ये आर्टिकल क्यों छपा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोज करा है 56,415 करोड़ 16 स्टेट में करंट फाइनेंशियल ईयर में। अप्रूवल इसके एक स्कीम के अंदर किया गया है। कौन सा स्कीम है वो? उसका स्कीम का नाम है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-2024। ये आपको ज़रूर ज़रूर याद रखना है कि आपका इस तरह से चेंजेस इसमें किए गए हैं। इस स्कीम के तहत स्टेट्स को इन्वेस्टमेंट करने का जो प्रपोजल है, स्कीम के तहत दिया जा रहा है। अब समझने की ज़रूरत है, ये जो स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये कैसी स्कीम है और ये कब आई सबसे पहले। तो याद रखो, ये सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आता है 2020-21 में, जब कोविड पैंडमिक हमारे यहाँ हिट कर गया था कंट्री में। अच्छा, इसका यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका मल्टीप्लायर हो, यानी कि वो बढ़ता ही चला जाए, कैपिटल स्पेंडिंग बाय स्टेट्स बढ़ती चली जाए, ताकि लोगों जो है, लोगों का वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब इस स्कीम में किया क्या जाता है? तो इस स्कीम में ध्यान रखने की बात ये है, स्पेशल असिस्टेंस दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, 50-ईयर फ्री इंटरेस्ट लोन दिया जाता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें इसमें गाइस की जाती हैं, ध्यान से समझना इस बात को आप। उसके बाद इस स्कीम में ना 8 पार्ट हैं। अब 8 पार्ट क्या हैं, वो ये हैं। पार्ट 1 में, पार्ट 2 से शुरू है, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे दे रखा है, क्योंकि पार्ट 1 जो है बेसिकली बींग द लार्जेस्ट एंड विद द एलोकेशन है, उसमें एरो आपका दिखा रखा है और 1,00,000 करोड़ की कुछ इसमें आपका जो एलोकेशन है अमंग स्टेट्स ना, इन प्रपोर्शन टू देयर सेंट्रल, जैसे जितना भी उनका प्रपोर्शन होगा सेंट्रल टैक्सेस वगैरह का, पर 15 फाइनेंस कमीशन ने जैसे बता रखा है उस हिसाब से होगा। दूसरे जो पार्ट्स हैं ध्यान में रखना, वो लिंक्ड है, वो सेक्टर स्पेसिफिक है। जैसे देखो, इंसेंटिव फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स पार्ट 2 में आएगा, अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स 3rd पार्ट में, फिनेंसिंग रिफॉर्म्स इन अर्बन लोकल बॉडी, इसी के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कराई जा रही है, हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल्स टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज इंसेंटिव टू टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ CSS फंड्स, जो भी फंड्स आ रहे हैं वो सारे इम्प्लीमेंट हो पाए, वो पार्ट 8 में। तो ऐसे पार्ट यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। अब ट्रेंड्स क्या रहे हैं कैपेक्स का? तो देखो, जो ट्रेंड्स रहे हैं बाय स्टेट, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, हायर सब्सिडीज एक्सपेंडिचर, यानी कि जो सब्सिडीज़ है ना, एक्सपेंडिचर जो की जाती है, वो फास्टर पेस में बढ़ती ही गई हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023 का देखो उस हिसाब से, इवन एज देयर कैपिटल स्पेंडिंग स्लो डाउन इन फाइनेंशियल ईयर 2023, जो कैपेक्स ग्रोथ है वो कैसी है, फ्लैट है। अगर आप कंपेयर करोगे 2022 के फाइनेंशियल ईयर से, 29% की जिसमें ग्रोथ थी, इस बार का जो कैपेक्स है वो आपका कैसा है, कैपेक्स ग्रोथ वो आपका फ्लैट है। कैपिटल आउटले GDP रेशियो समझ लो, वो आपका कैपिटल के उसमें GDP की रेशियो जो आई है वो कैसी आई है, वो इम्प्रूव की गई है। GDP टू GSDP जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा आपकी पंजाब में है, यानी कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो आपका पंजाब में सबसे ज़्यादा हायर आया है। और इवन आपका इफ़ यू कम बाकी उसके बाद आपका राजस्थान है, हरियाणा भी है। कैपेक्स का टारगेट जो बैंक ऑफ बड़ौदा स्टडी के द्वारा किया गया है, तो 25 स्टेट्स से क्यूमुलेटली भी उन्होंने 76% ऑफ देयर कैपेक्स टारगेट को फुलफिल किया है, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड्स रहे हैं, ये स्टेट्स के ट्रेंड्स बता रहे हैं, यहाँ पर समझ आया। स्टेट में ट्रेंड्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे कैसे देखा जाता है, कैपिटल आउटले GDP रेशो चेक की जाती है, वो इम्प्रूव कर गई है, डेट टू GDP रेशो, जो GSDP रेशो है उसको चेक किया जाता है, ये सारी की सारी रेशो उसको चेक करा गया। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कैपेक्स को बाय स्टेट्स चेक करना क्यों ज़रूरी होता है? देखो, अगर सही ढंग से कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा
कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है यू आर बेसिकली इम्प्रूविंग योर असेट्स, है ना। अब जैसे देखो, आपने ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप कर दिया, अर्बन प्लानिंग कर दी, तो यू आर बेसिकली थिंकिंग फॉर द फ्यूचर ग्रोथ्स के बारे में। आप कोशिश कर रहे हो नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो, नए एसेट्स क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो कैपिटल स्पेंडिंग क्या करती है, हायर मल्टीप्लायर बेनिफिट्स देती है। आप क्राउड करोगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, क्रिटिकल सप्लाई स्ट्रेंथ को आप उसको रोकोगे, उसको ईज करने की कोशिश करोगे, तो अल्टीमेटली यू आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल। आप गैप्स खत्म कर रहे हो, डिस्क्रिपेंसी खत्म कर रहे हो, आप जो पोवर एंड रिच का है। इसलिए ज़रूरी होता है कैपिटल स्पेंडिंग करना, पैसा लगाना चीज़ों पर। तो कंबाइंड जो कैपेक्स स्पेंडिंग है इज मोर देन डैट ऑफ द सेंटर एंड दस दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ की बात करोगे तो दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं। उसके आप इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, मैंने आपको कहा ना, एक कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू हो जाती है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, प्रमोट आप करते हैं इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाती है आपकी। जो आपके पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ है ना, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अब आप देखो, मेरी बात सुनो, हम बात कर रहे हैं वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट हमारा SDG 2030 तक फुलफिल होना चाहिए। अब उसमें बहुत सारे ऐसे गोल हैं, हमारे जेंडर गैप खत्म होगा, अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करा सोसाइटी में, आपने अच्छे से वॉशरूम्स बना रखे हैं वुमेंस के लिए भी, तो बच्चे स्कूल जाएंगे। मिड डे मील स्कीम को आपने ठीक से इंप्लीमेंट करा रखा है, तो बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चियाँ भी स्कूल जाएंगी हमारी, है ना। अब आपने ऐसा एक सिस्टम क्रिएट कर दिया कि वुमेन भी जा रही है, मेल भी जा रहे हैं, दोनों बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जा रहे हैं स्कूल में जा रहे हैं, क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कर रखा है। तो जेंडर डिस्पैरिटी को आपने खत्म करा। अर्बन प्लानिंग करोगे तो यू आर थिंकिंग फॉर द एनवायरमेंट सेक्शन, है ना। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ को बहुत फायदा होता है अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर ठीक ढंग से करते हो तो। अच्छा, उसके बाद रीजंस क्या हैं, क्यों हमारे जो स्टेट्स होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। तो पहला रीज़न, लिमिटेड फिस्कल स्पेस, यानी जो स्टेट्स हैं वो लीगली मैंडेट करते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट को, कि फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल उसमें रखना है, बट अनेबल टू रिड्यूस देयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बढ़ा ही नहीं पाते, ना सैलरीज, ना पेंशन, ना सब्सिडीज, बल्कि कट डाउन ही करते जा रहे हैं। तो डेफिसिट नॉर्म्स मीट करने के लिए वो करते हैं, बट अल्टीमेटली आपको उससे नुकसान ही होना है। लैगिंग कैपेसिटी, स्टेट्स हैं उनके साथ कंस्ट्रेंट ये रहता है, प्रोजेक्ट्स नहीं है, स्किल्स नहीं है, कहाँ से लाओगे आप, एब्जॉर्ब कैसे करोगे हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर को, ये समस्या। फिर डिसीजन मेकिंग की दिक्कत है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा रहता है, फ्री बाइस आपने दे तो दिए, लेकिन आप सोचो ना अल्टीमेटली ये सब क्या है, ये सारी की सारी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है। जितनी भी फ्री बीज हैं, पॉपुलर प्रोमिसज हैं, ये सब से आपको कुछ नहीं मिलना, अल्टीमेटली इट इज़ हैम्परिंग योर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज शुड बी देयर इन दी, मतलब अच्छे सेक्टर्स में होता है, देखो आप पार्ट एट तक बनाए हुए हैं, समझ रहे हो आप, तो ये सारी समस्या। उसके बाद वे फॉरवर्ड में बोला गया है चैनलाइजिंग कैपेक्स करने की ज़रूरत है। कैसे, देखो स्टेट गवर्नमेंट कैन प्रमोट इन्वेस्टमेंट थ्रू बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल से कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्ट चैनल क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ह्यूमन कैपिटल तैयार कर दो। सेकेंड तरीका क्या है, इनडायरेक्ट चैनल है, क्राउडिंग करो आप, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करवाओ आप, गुड गवर्नेंस बढ़ाओ, जो भी सिस्टम में ला रहे हो उसकी गवर्नेंस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करो आप, FDI को इन्वेस्टमेंट में लेकर आओ, अट्रैक्ट करो, और वो कैसे होगा, ईज ऑफ बीइंग बिजनेस को अच्छा कर दो आप, बहुत ईज कर दो, कंस्ट्रेंट ना रहे किसी भी तरह। टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज को आप इस तरह से अच्छा करो आप। फिस्कल प्रूडेंस थ्रू फाइनेंस कमीशन, देखो 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट थी, उसमें बोला था इशू ऑफ फ्री बीज को उठाया गया था कि भैया जो स्टेट इंडल्ज हो जाते हैं चीज़ों में ना, सबसे बाहर आओ, अल्टीमेटली यू आर हैम्परिंग योर ओन इकोनॉमी। अब एक काउंसिल की ज़रूरत है, सुपरवाइजरी बॉडी चाहिए कि नहीं चाहिए, एक एक्सपेंडिचर काउंसिल होगा जिसका रोल ये होगा कि वो फॉर्मुलेट करे पॉलिसीज़ को, स्टेट गवर्नमेंट को बताए कि आपको कैसे रिसोर्स को एलोकेट करना है। तो एक एक्सपेंडिचर काउंसिल इसीलिए बिठानी बहुत बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू राइट दिस पॉइंट ऑल, पेपर में लिखना है, मेन्स आंसर राइटिंग करते वक्त आपको सारे आंसर ऐसे लिखने हैं प्रॉपर बना के। उसके बाद रेवेन्यू सोर्सेज को इन्हांस करो ना आप, रेवेन्यू जनरेशन को कैपेसिटी को रेस करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे अल्टरनेटिव सोर्सेज इनके ढूंढो, माइनिंग करने के तरीके और ढूंढो, रीबैलेंस करो एक्सपेंडिचर को, जो आपके लो सेक्टर स्पेंडिंग है वहाँ पर उसको ठीक करो आप, करेक्शन करो वहाँ पर, रीबैलेंस करो ताकि एक्सपेंडिचर आपका रीबैलेंस हो, हाई कमिटेड एक्सपेंडिचर वहाँ हो जहाँ पे ज़रूरत है। कैपेक्स का जो बफर की बात आप करते हो, यानी कि जो मेन स्ट्रीम कैपिटल प्लानिंग है ना, कंसिडर क्रिएटिंग अ कैपेक्स बफर फंड, निकालो ड्यूरिंग गुड टाइम जहाँ पे रेवेन्यू फ्लो आर स्ट्रॉन्ग, एस मेंटेन आपका एक्सपेंडिचर क्वालिटी इनहेंस करने के लिए, इकोनॉमिक साइकिल को ठीक करने के लिए ज़रूरी है सारी चीज़ें। ठीक है, तो गाइस दिस इज अबाउट दिस टॉपिक, ठीक है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इसमें ले लेंगे 5 टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे थे, आई थिंक 13-14 टॉपिक्स हैं इसमें, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे चलते हैं, तो सारा तो नहीं करेंगे लेकिन कर लेते हैं, 3-4 टॉपिक्स तो कर ही लेते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में समझो RBI ने नोटिफिकेशन निकाली, ठीक है, ये कुछ मेजर्स लेने हैं जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, तो कई इन्होंने ब्रांचेस भी ओपन करें,
10 मतलब मैक्सिमम 5 ब्रांचेस खोले, 10% द नंबर ऑफ द ब्रांचेस है ना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। प्रायर अप्रूवल भी उनको ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाती है RBI के थ्रू, और ऑब्जेक्टिव यही है इनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को बनाना है, इनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को तय करना है। तो आपका जो FSWM है, दैट इज फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज नॉर्म्स जो होती हैं, उसमें ये लगाने की ज़रूरत है। इस बोर्ड के अप्रूवल तभी तो मिलेगा, अप्लाइंसेज वगैरह। तो RBI ने क्या करा, सेलेक्ट किए USBs कि इनको कैसे फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज बनाया जाए, उसके लिए कुछ इन्होंने क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब करा, ब्रांच का एक्सपेंशन करा अंडर द प्रायर आपका अप्रूवल रूट से, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने तैयार कर दी। अब उसके बाद ये कह रहा है कि ना वन टाइम सेटलमेंट करने की ज़रूरत है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, थ्रू बोर्ड अप्रूव पॉलिसीज हैं, दे कैन प्रोवाइड फॉर टेक्निकल राइट ऑफ एज वेल एज सेटलमेंट फॉर बोरोअर। देखो वन टाइम सेटलमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो उनको ना पॉलिसीज अप्रूव करके ऑलरेडी मिली हुई होती हैं, उसमें उनको टेक्निकली राइट ऑफ करना है, सेटलमेंट टाइमली उनको कर लेनी है, उसी को राइट ऑफ कहते हैं बोरोअर्स के साथ। इससे कोऑपरेटिव बैंक्स कमर्शियल बैंक के एट पार आ जाएंगे, एक साथ चल सकते हैं वो भी। अब उसके बाद PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बहुत 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 ज़रूरी है, उसको टारगेट करो आप कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहाँ पे करनी है, एक्सटेंड करो USBs के लिए। कोऑर्डिनेशन का RBI के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, क्लोज कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, फोकस इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो देखो जो क्राइटेरिया होता है ना किसी भी फाइनेंशियली साउंड बनाने के लिए, वेल मैनेज बनाने के लिए, स्टेटस देने के लिए, इस क्राइटेरिया पे चलते हैं। और ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द क्या कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट रिगार्डिंग द क्राइटेरिया फॉर FSWM स्टेटस। तो आपको 4 पॉइंट्स दिए होंगे आपको बताने, और आपको पता है बहुत ध्यान से समझो, अब पढ़ाई थोड़ी और थॉरो कर दो, वहाँ एलिमिनेशन मेथड आप लगा नहीं पाओगे, इसलिए बी थॉरो वट एवर यू आर स्टडिंग, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ें बोल रहा है कि CRAR जो है शेल बी एटलीस्ट 1% अबव द मिनिमम CRAR एप्लीकेबल टू एन USB। पहला तो ये होना चाहिए कि आपका जो CRAR है वो है एटलीस्ट 1% होना चाहिए, मिनिमम CRAR से अबव होना चाहिए। नेट जो आपका NPA है वो 3% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट एटलीस्ट आपका 3% समथिंग होना चाहिए। डिफॉल्ट वगैरह कुछ है तो उसका कोई डिफॉल्ट वगैरह का चक्कर नहीं होना चाहिए। कोर बैंकिंग सोल्यूशन आपके बैंक में बिल्कुल इंप्लीमेंट होना चाहिए, CBS जिसे कहते हैं, साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो, आपके प्रोफेशनल डायरेक्टर वगैरह होना चाहिए। कोई मोनेटरी आपकी कोई भी अगर RBI ने मॉनिटरी पेनल्टी लगाई हुई है तो उस चक्कर में फिर आपको FSWM सप्लाई नहीं मिलता। तो कोई भी मॉनिटरी पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, तब आपको फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज स्टेटस मिलता। अब समझ लो UCS आपके जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो क्या हैं। देखो कोई फॉर्मली तो डिफाइंड है नहीं, तो बेसिकली प्राइवेट आपके ये प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं जो आपके अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में होते हैं। आपकी रे अच्छा आपकी कंट्री में इस समय पे 1514 USBs हैं आपकी कंट्री में। अभी कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं USBs का, तो Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 है। Tier 4 पे वो वाले डिपॉजिट्स होते हैं जिनके 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो तो भी USBs होते हैं। Tier 3 वाले में 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच में होती है, ठीक है। तो मोर देन अगर 100 करोड़ से 1,000 करोड़ से Tier 2 में आती हैं। Tier 1 में क्या है, वो सारी की सारी जो सैलरी अर्नर्स हैं जिसमें आपका डिपॉजिट जो है वो 100 करोड़ तक है, उतना रहता है। तो ये सारे कैटेगराइजेशन है, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 USBs को कैटेगराइज कर रखा है। 2020 में गवर्नमेंट ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत कुछ चेंजेस लेकर आई, और इसका सुपरविजन RBI भी बिल्कुल देख रहा था, ध्यान से सुपरविजन कर रहा था। तो अमेंडेड लॉ जो था, RBI ने उस पावर दी कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स की कंसल्टेशन ली उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से, उसके बाद उनको कुछ पावर दी। अर्लियर ऐसा नहीं होता था, पहले डायरेक्शन देने के लिए सिर्फ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते थे, वो डायरेक्ट करते थे, उसके हिसाब से डायरेक्टर्स को चलना पड़ता था। अभी थोड़ा सा चेंज लाया कर गया। अब उसके बाद क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। 4 टियर मैंने आपको समझाई दिया, मिनिमम नेटवर्क जो होती है USBs की मैंने आपको बताया। अगर यू वांट टू ओपन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन दी अर्बन और द सेमी अर्बन एरिया, अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट शुड हैव अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ ₹2 करोड़। सिंगल डिस्ट्रिक्ट के पास 2 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। और जितने भी USBs हैं, मिनिमम आपको क्राइटेरिया पता है Tier 1 Tier 2 में आने का, वो होना चाहिए, उसका वर्थ 5 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो होती है, एक CRAR बोलते हैं उसको, मिनिमम आपको 9% तक करना है। रिस्क वेटेड रेशो को भी आपके अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में 75% जो आपका एडवांसेस हैं, जो भी लोन्स हैं आपके, वो आपके किस में इंक्लूड होने चाहिए, वो सारे के सारे आपके सेक्टर्स दिखा रखे हैं। MSME में पैसा लगाओ, एक्सपोर्ट क्रेडिट, यहाँ पर अगर आप टारगेट कर रहे हो 75% अपने एडवांसेस यहाँ पर लगा रहे हो, तब तो आपको मिलेगा USBs का दर्जा। अब सबसे बड़ी समस्या समझो जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, पेपर में आ जाएगा भाई, इनकी समस्याएं बताओ, इनके इश्यूज क्या हैं। तो पहला इशू है
हाई ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एज पर आरबीआई जो आपके एफएसबी रिपोर्ट आती है उसमें बोला गया है कि यूएसबी में आपकी जो एनपीए रेशियो है वो 8.7% है, और जहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की 3.9% है खाली। तो एक तो ये फ़र्क है, यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में फ़र्क आ गया। फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इनका स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक से। वल्नरेबिलिटी यहाँ पर आ जाती है, इनकी इंटरनल वीकनेस ये है कि ना ये फ्रॉड्स बहुत है यहाँ पर, इनेबिलिटी है इनकी कि फ्रॉड को डेल झेल ही नहीं पाते। कहना देखो आप कितनी गलत बात है कि पंजाब महाराष्ट्र का जो कोऑपरेटिव बैंक था वो कोलैप्स कर गया, इतना ग्रेव फाइनेंशियल डिफिकल्टी थी, इतना बुरा हाल था यहाँ पर फाइनेंशियली, बैंक ही कोलैप्स कर गया। कह रहा कि उसके बाद ना ये बेस्ट प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करते हैं। तभी तो बोला गया कि अगर आप फाइनेंशियली साउंड वेलफेयर बोर्ड में आना चाहते हो तो यू शुड हैव द सीबीएस सिस्टम कोर बैंकिंग सोल्यूशन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए आपके बैंक में। तो इनके साथ ये भी एक दिक्कत है, तभी यहाँ पर फिर कस्टमर भी डिस्टर्ब कस्टमर सेगमेंट को ढूंढ ही नहीं पाते, इतना ज़्यादा हाई इन्फ्लुएंस रहता है टॉप मैनेजमेंट का सारे मैटर्स में ही, हाई कॉस्ट इनकम रेशियो रहती है यहाँ पर दिक्कत, फिर हाई क्रेडिट की समस्या, समझ रहे हो आप। तो ये सारी अब देखो इनका एक तो सारी तो देखो एक तरफ इश्यूज हैं, दूसरा आपको ये भी समझना होगा व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ओपनिंग यूएसबी यूसीबीस के खोलने का क्या जरूरत है, जबकि आपके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, आपके पास कमर्शियल बैंक भी है, आपके पास पेमेंट बैंक भी है, क्या जरूरत पड़ी इनको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक खोलने की। समझो ध्यान से, लार्ज अनटैप्ड एरिया ऑफ एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है, मतलब इसलिए ज़रूरत होती है यूएसबी की। डोमिनेंस डोमेस्टिक ओरिएंटेशन को प्री डोमिनेंट ग्रास रूट लेवल पर भी गुड नेटवर्क बैंकिंग सिस्टम में मिले, इसलिए लोकल नीड्स को ध्यान में रखते हुए यूएसबी इस काम करते हैं। मैसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को प्रमोट करें, वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए ज़रूरत है, इंटरेस्ट लोन जो होते हैं ना ऑफर करते हैं बहुत रीजनेबल रेट पे, इन सब वजहों से ही यूसीबीस को ज़्यादातर प्रमोट किया जा रहा है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। उसके बाद इनका ना बैंकिंग सेक्टर में बड़ा लो शेयर रहता है, 3% के राउंड, बताओ। अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं जो इनको समस्याओं को दूर किया जाए, तो इसमें ना सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क है और इसमें एक्सपीडियस रिजोल्यूशन निकाली जाती है ताकि फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो, करेक्टिव एक्शन लिए जा रहे हैं। उसके बाद स्कीम फॉर वॉलंटरी कन्वर्जन भी है, ठीक है, एलिजिबल आपके यूसीबीस को, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी है, रेगुलेटरी अप्रूवल उनको 2019 में प्रोवाइड की जाती थी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर शेयर यूज़ किया जा रहा है, यूएसबीस फॉर परमिटेड टू प्रोवाइड डोर स्टेप बैंकिंग सोल्यूशन बैंकिंग सर्विसेज टू देयर कंज्यूमर्स। तो लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ है यूएसबी वारंट्स की इन टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पर ना बहुत बड़ा स्टेप जो है ना ग्रेजुअल बट सस्टेन्ड अडॉप्शन जो की जा रही है वो ये है, अचीवमेंट ऑफ द विजन सहकार से समृद्धि, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक किया जा रहा है। तो ये सारी डोर स्टेप बैंकिंग सोल्यूशन देना, इंडिविजुअल हाउसिंग लिमिट देना है ना, ये सब मोर देन डबल किया गया है, आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारे आपको बातें अपने पेपर में अगर यूसीबी से रिलेटेड आता है तो आपको ज़रूर लिखनी है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द क्रिटिकल मिनरल्स वाला पोर्शन। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने सबसे पहली बार ये रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ही कमेटी बिठाई जिसमें बोला भाई आपको काम करना है, आइडेंटिफाई करना है क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को। लिस्ट बनाई गई सबसे पहले 30 क्रिटिकल मिनरल्स की, 17 रेयर की, 6 आपके प्लेटिनम ग्रुप मिनरल्स की, और डेजिग्नेट कर दिया सबका अपना अपना रोल और सबको बता दिया भाई इनकी क्रिटिकलिटी है और ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया के जियोलॉजिकल रिजर्व में बहुत लिमिटेड अवेलेबिलिटी में मौजूद है। तो ऐसे समझ में आ गया 30 क्रिटिकल मिनरल्स थे, 17 रेयर अर्थ मेटल्स थे और आपके 6 जो थे वो प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स थे। अब जो आपके 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसमें 15 आपके लैंथनाइट एटॉमिक नंबर जिसका 57 होता है, लैंथनम से 271 पीरियडिक टेबल में अगर आपने देखा हो, तो जो भी बच्चे साइंस के बच्चे हैं जिन्होंने पीरियडिक टेबल पढ़ी है डेफिनेटली उनको पता होगा स्कैंडियम में एटॉमिक नंबर आपका 21 होता है। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स को जज करने के लिए पैरामीटर्स को तैयार किया गया। अब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइक क्रिटिकलिटी ऑफ मिनरल्स आपके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और सप्लाई रिस्क से भी ज़रूरी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, आपका डिस्रप्शन पोटेंशियल, आपका क्रॉस कटिंग इंडेक्स, सारे इंडेक्सेस के बारे में। सप्लाई रिस्क की बात है, गवर्नेंस आपका अच्छा होगा, रिलायंस आपकी बढ़ेगी, सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ेगी, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो लिस्ट में इंपॉर्टेंट बातें रखी हुई, देखो लिस्ट आ जाएगी ना आपको पॉलिसी बनाने में आसानी होगी, आपको प्लानिंग करने में आसानी होगी, आपको पता होगा माइनिंग सेक्टर में कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। अब सवाल ये आता है क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं, तो भैया मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के लिए वो एलिमेंट है जो आपको
क्या क्या करवा देगा। कह रहे एग्जाम्पल के तौर पर यू हैव द क्रिटिकल मिनरल्स एंटीमनी, कोबाल्ट है, कॉपर है, बिस्मुथ, बेरिलियम है, सारे के सारे हमारे इंडिया में बहुत कम मिलते हैं। हम इम्पोर्ट करते हैं कोबाल्ट चाइना से, यूएस से, यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से निकालते हैं। अगर हमारी कंट्री में मिल जाए ना, मोबाइल फ़ोन, बैटरी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल, सब आराम से चलेगा। तो बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल नीड्स, स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन बहुत बहुत ज़रूरी है कि हमें लिस्ट बनाएं। कोर ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, देखो समझो बात को, हम सभी चाहते हैं ना रिच कंट्री बनना, डेवलप कंट्री बनना। कैसे बनोगे? यू हैव टू फोकस ऑन एवरी सेक्टर, कहाँ से कैसे हम एक अच्छा निकाल सकें। तो क्रिटिकल मिनरल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करना, कॉम्पिटिटिवनेस, जॉब क्रिएट करना, रिसर्च इनोवेशन करने के लिए, ग्लोबल सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी इन्हांस करने के लिए, क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत है। क्योंकि आपका समय बदल रहा है, आप क्लाइमेट चेंज से देख नहीं रहे हो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम में वेदर कंडीशन रहने लग गई हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया का? इकोनॉमिक ग्रोथ है, लिथियम है, ग्रेफाइट है, कोबाल्ट है, ये सारी चीज़ें सेल्फ सफिशिएंसी इन्हांस करने के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए, डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आप चाहते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपका 2030 तक आए, कहाँ से आएगा? यू शुड हैव द क्रिटिकल मिनरल्स विद यू। कितना बाहर से लोगे, कितना इम्पोर्ट बाहर करोगे? कोबाल खरीदते हो आप, बाहर से खरीदते हो, अपने घर में ढूंढो। कंसर्न एसोसिएटेड विद क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? कंसर्न्स ये हैं, आप बाहर से खरीदते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका इसीलिए बर्बाद है। ग्रीन टेक्नोलॉजी पे आप आना चाहते हो बट आपके पास है ही नहीं क्रिटिकल मिनरल्स, है ना। सप्लाई चेन इश्यूज हैं आपके साथ, फ्यू लोकेशंस पर आपका ये मिलते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वहाँ पर वल्नरेबिलिटी है। 3 to 5th ऑफ रेयर अर्थ मेटल जो है एसेंशियल फॉर क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी आर माइंड इन चाइना, वाइल मोर देन 4/5 जो है वो आपके प्रोसेस देयर। तो कहाँ से ये सब दिक्कतें हैं? ये ट्रेड पॉलिसी की समस्या है। जो सप्लाई है क्रिटिकल चैनल्स की वो आपके डिपेंडेंट करती है आपके ट्रेड अग्रीमेंट्स। एग्जांपल के तौर पे समझो इंडोनेशिया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट निकल रिजर्व है वहाँ पर। अब मान लो उसने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, गए काम से आप, बैठे रहो आप। इसीलिए अपनी कंट्री में ढूंढना है। लैक ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट, इंडिया में प्रोसेसमेंट होती ही नहीं क्रिटिकल मिनरल्स की, फिर आप उठाते रहो समस्याएं, सब्सटीट्यूट्स, रिसाइकलिंग, ये सब कुछ है ही नहीं। तो भाई ढूंढो ना सारी। तो समझो पिलर्स हैं ये 5 पिलर्स, मिड स्ट्रीम प्रोसेस करना, अपस्ट्रीम माइनिंग, अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन, ये सारा करने के लिए वी नीड समथिंग इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस है। इसीलिए बेहेड में कह रहे हैं रिकमेंडेशंस, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाने की ज़रूरत है। कोलैबोरेट करना विद इंटरनेशनल एजेंसीज, अपडेट करना लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स को, डाइवर्सीफाई करना सप्लाई चेन्स को, नेशनल फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री इन इंडिया। तो देखो वाइट इज इन द न्यूज़, तो गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है नई एप्लीकेशंस कि हम ना सेमी कंडक्टर फैब्स को सेटअप करेंगे, डिस्प्ले फैब्स को हम सेटअप करेंगे। और किसके अंडर करेंगे? हमारे पास एक प्रोग्राम है, डैट इज मॉडिफाइड सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसमें ध्यान रखना है, दिस प्रोग्राम हैज़ बिन लॉन्च बाय दी मीति, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने इसको किया है। और इसका काम क्या है? सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करना। ऑब्जेक्टिव यही है, इंसेंटिव कंपनीज से उठाना है ना, जितने भी सिलिकॉन आपके सेमीकंडक्टर फैब्स हैं, डिस्प्लेज हैं, यहाँ से उठाना। अब इस जो प्रोग्राम का टेन्योर क्या रहेगा? तो टेन्योर है 6 ईयर्स का। नोडल एजेंसीज कौन सी होंगी? डिजिटल इंडिया होगी, सेमीकंडक्टर मिशन है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, मीति है नोडल एजेंसीज के अंदर, है ना। और स्कीम के तहत कुछ कुछ लेसन लाए गए हैं कि आपको इसमें ऑब्जेक्टिव होगा लार्ज इन्वेस्टमेंट करना, है ना, डिस्प्ले फैब्रिकेशन के लिए, सेमीकंडक्टर वेफर के लिए, ऐसे लाइक दिस, है ना। अब इसका मार्केट साइज देखो क्या है, तो मार्केट साइज में बोला गया है कि रिपोर्ट में आया कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो $64 बिलियन है बाय 2026 तक हो जाएगा। 3 times ग्रोथ उसकी होगी 2019 से अगर आप कंपेयर करते हो, मतलब बढ़ रहा है सेमी कंडक्टर बहुत है, चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ रही है। 2000 चिप्स के भैया मालिक हो रहे हैं, हम बना रहे हैं उसको हर साल, इतनी क्रिएट कर रहे हैं हम डेली बेसिस पे। R&D हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्लूड कर रही है। तो पहले तो हमारा ताइवान ही बहुत बड़ा लीडर था माइक्रोचिप्स का, बट नाउ वी आर ऑल्सो ट्राइंग हार्डर कि भैया हम भी इसमें कुछ करें। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस इंडस्ट्री का? इंडिया के लिए बहुत सिग्निफिकेंस है सेमी कंडक्टर के लिए। सबसे बड़ी बात मार्केट की ग्रोथ, ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली, है ना, पेनिट्रेशन ताकि इसका बढ़े, इंडिया एज अ ग्लोबल हब इसमें आगे से तैयार हो। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी, है ना। आप सोचो टेक्नोलॉजिकल आपका लीडरशिप बढ़ेगी तो अल्टीमेटली यू एनहेंसिंग द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। तो आत्मनिर्भर भारत को आप पीछा कर ही रहे हो तो उसका भी आपको डेफिनेटली सेल्फ सफिशिएंसी में भी आपको मोटिवेट करेगा ये। और सेमी कंडक्टर्स होते क्या है? मटेरियल्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, कंडक्टर्स को कंडक्ट कराना, इंसुलेटर्स को कंडक्ट कराना, ये सारा करते हैं। तो सेमी कंडक्टर्स आप कह सकते हो प्योर एलिमेंट होते हैं, सिलिकॉन है, जर्मोनियम्स हैं, कंपाउंड्स हैं,
तो इनका काम यही होता है सेमीकंडक्टर्स का, कि नेटवर्क की तरह काम करते हैं। आईसी सुना होगा आपने, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, माइक्रोचिप्स होती हैं, सब लगी होती हैं ये कहाँ, इक्विपमेंट्स में, इंडस्ट्रियल मशीनों में, कंप्यूटिंग डिवाइस में, मोबाइल फ़ोन्स में, ऑटोमोबाइल्स में। लेकिन इसका चैलेंज हमारे साथ पता क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत, कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर की समस्या, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है 5 ईयर्स का, डिले है हमारा सेटिंग ऑफ फैसिलिटीज़ में, हर्डल्स हैं इनको प्लांट्स को वहाँ पे बनाने के लिए, जिससे हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत लेट हो जाता है, स्किल्ड वर्कफोर्स की समस्या, हमारे पास सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स नहीं मिलते, इकोसिस्टम की ज़रूरत है। तो इकोसिस्टम में डेवलपमेंट अगर आप कर देते हो ना, अगर आप सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ठीक कर देते हो, तो बहुत कमाल का काम हो जाएगा, स्किल्ड डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, फोकस आपका R&D का बढ़ जाएगा, पार्टनरशिप बढ़ाओ, इंसेंटिवाइज करो इंडस्ट्रीज़ को अपनी, फॉरेन कंपनीज़ को इंट्रैक्ट करो कि वो आए ज़्यादा से ज़्यादा, और ऐसी चीज़ें आपकी जो समस्या बन रही है वो दूर हो। पार्टनरशिप करो USA से, जापान से, जापान से, इनके साथ आप दोस्ती है ही ना आपकी, यूज़ करो इन दोस्ती को यहाँ पर आप। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, अब फिफ्थ टॉपिक ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, तो मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसोर्स के बारे में, माहिर के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का ये एक जॉइंट प्रोग्राम है, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पावर सेक्टर की है उसको लिवरेज देना, ठीक है, कार्बन कैप्चर करना, ग्रीन हाइड्रोजन फॉर मोबिलिटी, मॉडिफाइंग करना इलेक्ट्रिक कुकर्स को, ये सारा का सारा, जियो थर्मल, नैनो टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस कोल्ड चेन बनाना, ये सब काम इससे आप रिसर्च के थ्रू कर सकते हो। तो माहिर का काम क्या है, माहिर का काम है कि रेलिवेंस आपका एनर्जी सेक्टर्स की बढ़ाना, वाइब्रेंट रहने का आपका इनोवेटिव इकोसिस्टम को तैयार करना, कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार करना, सपोर्ट करना पायलट प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, ये सारे काम माहिर का सिग्निफिकेंस है। कुछ आप चाहते हो नेट जीरो इमिशन का बुक करना, तो बहुत सोचो माहिर कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, आपका पॉपुलेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी डिमांड बढ़ेगी कम नहीं होगी, मेक इन इंडिया को, स्टार्टअप को, सबको बूस्ट करना है, SDG गोल्स को अगर चाहते, देखो हर जगह मैं कह रही हूँ तुम्हें, SDG गोल्स के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज तैयार की जा रही हैं, अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का लेके फंडिंग वगैरह यहाँ से आ रही है, इनकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आ रही है। ड्यूरेशन क्या है इसका, 5 साल। टेक्निकल स्कूपिंग कमेटी है, इसको CEA लेती है ना, तो इसमें आपका सम ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पावर सेक्टर में एयरजेन है, माइक्रोग्रिड्स है, पावर वॉल्स है, वर्टिकल विंड टर्बाइंस हैं, एपेक्स यहाँ पर कमेटी बिठाई गई है, वो कोलैबोरेट कर रही है ना, उसको आप आउटकम लिंक्ड फंडिंग करा रही है। सिलेक्शन ऑफ द प्रपोजल टू बी डन थ्रू क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन बेसिस पे, ठीक है, ये सारा का सारा यहाँ पर, ये सारे ऐसे सिस्टम को क्रिएट किया जा रहा है। तो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल, विल डू द नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान द नेक्स्ट वीडियो सेशन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू PM पाठशाला। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।